वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए ट्यूटोरियल पे। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्रेडिट बी में रिपेमेंट कर सकते हैं यदि आपने क्रेडिट बी से लोन लिए हैं तो इस वीडियो पर आप बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रिपेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट बी में। सो सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर 1500 का लोन लिया था और वो जो है मेरा ड्यू डेट आ चुका है और उसमें मुझे चुकाना है 1522 रुपये। तो चलिए हम रिपे का बटन क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन बताएंगे, मोबीक्विक और पेटीएम। मैंने पेटीएम को सेलेक्ट कर लिया है और उसे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप डेबिट कार्ड से चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट उसको नंबर दे सकते हैं, यदि नहीं तो पेटीएम से सेलेक्ट करके यहाँ पर डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं अपना नंबर डाल करके। तो इसके बाद पेटीएम नंबर पे एक वेरीफाई ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। सिंपली डाल देने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और बता देगा आपका पेटीएम नंबर यूपीआई को। सो इसके बाद हमें पे के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे यदि आपका पेटीएम का यूपीआई कोड नहीं दिख रहा है तो इसे टाइप करके सिंपली पेपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए पेपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पेपर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट 1523.35 रुपये का यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है, बट वहाँ पर बता रहा था 1522 रुपये। अब हम चले आते हैं अपने पेटीएम के एप्लीकेशन पे और यहाँ पर आ चुका है नोटिफिकेशन पे करने का 1523 रुपये का। सो इसे हम पे के बटन पे क्लिक कर देते हैं और ये डायरेक्ट खुल जाएगा अपना यूपीआई एड्रेस पर, और जब इसे पे कर देंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल का आ चुका है मैसेज 1523.35 रुपये का, और हमारे मोबाइल पर भी मैसेज आ चुका है। इसके बाद चलते हैं हमारे क्रेडिट बी के एप्लीकेशन पे और यहाँ पर सक्सेसफुल का भी मैसेज आ चुका है, तो इसे ओके पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 1522 रुपये का बता रहा है बट वहाँ पर कटा हुआ है 1523.35। तो इसे पे कर देने के बाद यहाँ पर बता रहा है 3000 का जो लॉक बटन है वो खुल चुका है और इसे हम फिर से ले सकते हैं तुरंत। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट की बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।